हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सीएमआर 2017 का रेगुलेशन नंबर 137 का सेकंड पार्ट, सब रेगुलेशन नंबर 11। सफिशियंट मटेरियल ऑफ डीलिंग विद द फायर शैल बी केप्ट रेडी एट सुटेबल प्लेस बिलो ग्राउंड फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड यूज एंड सफिशियंट नंबर ऑफ पर्सन शैल बी ट्रेन इन द यूज ऑफ सच मैनर। कहता है माइन में आग लगने पर उसे रोकने के लिए सफिशियंट मटेरियल का अरेंजमेंट किया जाना चाहिए, सुटेबल प्लेस पर पहले से ही ट्रांसपोर्ट करके रख लेंगे ताकि आग लगने पर उपयोग किए जा सके, और कुछ लोग को ट्रेनिंग भी दी जाएगी आग रोकने के लिए, आग को प्रिवेंट करने के लिए। सब लोग इसे नंबर 12 कहता है इन ऑर्डर टू डिटेक्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग इन एयरली स्टेज द एयर इन द रिटर्न एयरवे ऑफ एवरी डिक्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट एंड एवरी गो विच हैज नॉट बीन आइसोलेटेड शैल बी टेस्टेड फॉर परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड वंस एंड एट लीस्ट इन एवरी 7 डेज विद एन ऑटोमेटिक डिटेक्टर ऑफ टाइप प्रूव्ड बाय चीफ इंस्पेक्टर एंड कंप्लीटली एनालिस्ट। फर्स्ट पॉइंट कहता है स्पॉन्टेनियस हीटिंग को पहले से ही जानने के लिए, रोकने के लिए हमें रिटर्न एयरवे में सारे डिप्लेरिंग पैनल के और सारे गोप्ड आउट एरिया में जो सील ना किए गए हों वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज की जांच करेंगे 7 दिनों में कम से कम एक बार ऑटोमेटिक सीओ डिटेक्टर की मदद से जो कि चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित हो। बी पॉइंट कहता है कंप्लीट एनालिसिस वंस एट लीस्ट इन एवरी 30 डेज विद अ व्यू ऑफ डिटरमाइनिंग द रेशियो सीओ फॉर्म्ड ओ टू एब्जॉर्ब प्रोवाइडेड दैट इफ सक्सेसिव टेस्ट सो एनी स्टडी इंक्रीज इन सीओ फॉर्म ओ टू अब्सॉर्ब रेशियो सुटेबल मेजर शैल बी टेकन टू डिटरमाइन द साइट ऑफ द हीटिंग एंड द डील विद इट। कहता है सीओ फॉर्म्ड ओ टू अब्सॉर्ब का कंप्लीट एनालिसिस किया जाएगा 30 दिनों में कम से कम एक बार किया जाएगा। पॉइंट नंबर 13 कहता है द रिजल्ट ऑफ एवरी टेस्ट रिफर्ड टू इन सब लेक्शन 12 शैल बी रिकॉर्डेड इन अ बाउंड पेज बुक केप्ट फॉर द पर्पस एंड शैल बी साइन एंड डेट बाय द पर्सन कैरिंग आउट द टेस्ट। कहता है सब लेक्शन 12 में दिए गए टेस्ट का रिजल्ट बाउंड पेज कॉपी में लिखा जाएगा जो कि इसी काम के लिए रखा हुआ होगा, और टेस्ट करने वाले व्यक्ति का सिग्नेचर भी डेट किया जाएगा तो सिग्नेचर करेगा विद साइन। पॉइंट नंबर 14 कहता है एवरी डिक्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट शैल बी इंस्पेक्टेड ऑन एवरी आइडियल डे एंड रिपोर्ट ऑफ एवरी सच इंस्पेक्शन शैल बी रिकॉर्डेड इन बाउंड पेज बुक केप्ट फॉर द पर्पस एंड शैल बी साइंड एंड डेटेड बाई द पर्सन मेकिंग द इंस्पेक्शन। कहता है एक आइडियल डे निर्धारित करके सभी डिक्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट को इंस्पेक्ट किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट बाउंड पेज कॉपी में लिखा जाएगा जो कि इसी कार्य के लिए रखा हुआ होगा। पॉइंट नंबर 15 कहता है ऑल अनयूज वर्किंग इंक्लूडेड अनयूज वर्किंग विच हैव नॉट बीन सील्ड ऑफ एन आइसोलेशन स्टॉपिंग बिल्ट अराउंड गोप्ड आउट एरिया शैल बी इंस्पेक्ट वंस एट लीस्ट इन एवरी 7 डेज बाई एन कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर एनी फायर रिस्क एंड रिपोर्ट ऑफ एवरी सच इंस्पेक्शन शैल बी रिकॉर्डेड इन बाउंड पेज बुक केप्ट फॉर द पर्पस एंड शैल बी साइंड एंड डेटेड बाई द पर्सन मेकिंग द इंस्पेक्शन। कहता है सभी अनयूज वर्किंग जो भी सील्ड ऑफ नहीं किए गए हैं, जिनमें आइसोलेशन स्टॉपिंग नहीं बनाई गई है, उन अनयूज वर्किंग एरिया का इंस्पेक्शन कंपिटेंट पर्सन द्वारा 7 दिनों में कम से कम एक बार किया जाएगा और इसका रिपोर्ट बाउंड पेज कॉपी में लिखेगा कंपिटेंट पर्सन। पॉइंट नंबर 16 कहता है वेयर एट एनी माइनर पार्ट स्पेशल कंडीशन एग्जिस्ट विच मेक कंप्लेंस विद एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन नॉट नेसेसरी और रीजनेबल प्रैक्टिकल द रीजनल इंस्पेक्टर में बाई नॉर्डर इन राइटिंग एंड सब्जेक्टेड टू सच कंडीशन एज ही में स्पेसिफाई देयर इन ग्रांट अ रिलैक्सेशन फ्रॉम द प्रोविजन। कहता है किसी भी माइन में या उसके पार्ट में जहाँ स्पेशल कंडीशन एग्जिस्ट करता है वहाँ पर दिए गए प्रोविजनों में रीजनल इंस्पेक्टर द्वारा रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। पॉइंट नंबर 17 कहता है वेयर कोल इज स्टैक्ड ऑन द सर्फेस सुटेबल अरेंजमेंट शैल बी मेड फॉर द स्प्रेइंग ऑफ वाटर और एनी अदर फायर रेजिस्टेंस सुप्रेशन मटेरियल ऑन द कोल स्टैक एट रेगुलर इंटरवल सो एज टू प्रिवेंट स्पॉन्टेनियस हीटिंग। कहता है सरफेस पर पिट टॉप पर जहाँ कोल डंप किया हुआ है या रखा हुआ है वहाँ पर स्पॉन्टेनियस हीटिंग को रोकने के लिए सुटेबल अरेंजमेंट किए जाएंगे और पानी का छिड़काव किया जाएगा, आग को रोकने के लिए अरेंजमेंट किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 18 कहता है हाइड्रोलिक फ्लूड विच इज नॉट फायर रेजिस्ट शैल नॉट बी यूज बिलो ग्राउंड। कहता है हाइड्रोलिक फ्लूड जो कि फायर रेजिस्ट नहीं है उसका उपयोग अंडरग्राउंड माइन में नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 19 कहता है
Precautions shall be taken to minimize the possibility of hydraulic fluids or oil coming in contact with hot surface, electrically apparatus or cables. कहता है हाइड्रोलिक फ्लूड हॉट सरफेस से कांटेक्ट में आने से रोका जाएगा, सावधानियां बरती जाएंगी, कोई इलेक्ट्रिकल अपरेटस या केबल्स के संपर्क में आने से उनको रोका जाएगा। पॉइंट नंबर 20 कहता है कंबसिबल ऑयल और मटेरियल शैल नॉट बी यूज फॉर फिलिंग इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। कहता है ज्वलनशील तेल अथवा ज्वलनशील मटेरियल का उपयोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 21 कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनी कंटेंट इन द सब रिजोल्यूशन 18, 19 एंड 20 द रीजनल इंस्पेक्टर मे बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग एक्सटेम्प्ट फॉर द यूज ऑफ फायर रेस्ट हाइड्रोलिक फ्लूइड इन डिग्री फर्स्ट गैसी माइन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज ही मे स्पेसिफाई देयर इन। कहता है सब रिजोल्यूशन 18, 19, 20 में दिए गए प्रोविजन में फर्स्ट डिग्री माइन के केस में रीजनल इंस्पेक्टर द्वारा रिलैक्सेशन दिए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी। थैंक यू सो मच।